तो आज हम लोग जा रहे हैं अलीबाग में बीच कैंपेन के लिए। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो घर से हम लोगों ने ले लिया रिक्शा स्टेशन के लिए, जो हमें ले जाएगी चर्च गेट। हम पहुँच गए हैं चर्च गेट और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम करेंगे टैक्सी, जो लेकर जाएगा हमें गेटवे ऑफ इंडिया। हमने टैक्सी कर लिया है और हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गाइज 10 मिनट में हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए, बट 26 जनवरी थी तो बहुत भीड़ था यहाँ पे। हॉलीडे पे बहुत भीड़ रहता है, तो हम ये सारे भीड़ों को क्रॉस करते हुए पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया के पास, जहाँ पे फिर भी हमें बहुत भीड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 26 जनवरी है और हॉलीडे रहता है। तो हॉलीडे पे हम लोग घूमने निकले, लेकिन इतना भीड़ होने के बाद भी हमने टिकट लिया और फिर हम बोट पे चढ़ गए। ये रहा हमारा बोर्ड, जहाँ पे आप देख सकते हो पीछे शॉप्स भी है, चाय भी मिलती है, चिप्स वगैरह भी आप खा सकते हो। कहाँ जा रहे हो? अलीबाग। क्यों जा रहे हो? छुट्टी है 3 दिन, पूरे 3 दिन के लिए जा रही हो? एक बार डाल दूंगी मैं ब्लॉग पे। आप भी जा रहे हो क्या अलीबाग? मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हो क्या? जा रही हूँ मांडवा। ओके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी। थोड़ी मस्ती दोस्तों के साथ करते हुए और बोट पे चाय पीते हुए हम चल दिए मांडवा की तरफ, और हमें बहुत अच्छा लगा। ऑसम एक्सपीरियंस रहता है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये देखो, ये बंदा बेच रहा है खीरा और अमरूद, और हमने ये भी खाया, फिर हमने चिप्स भी खाया, चाय भी पिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये करीबन 1 घंटा का सफ़र होता है, 1 घंटा का सफ़र कम्प्लीट कर रहे हैं हम लोग, और समुंदर के बीच में से जाना का मज़ा ही अलग है। तो ये देखो, दिख गया हमें मांडवा और यहाँ पे हमें बोट उतारेगी। हम उतर गए हैं मांडवा और यहाँ से हमें थोड़ा चल के आगे जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें मिलेगी बस। और ये जो बस होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है, तो हम आगे से लेने वाले हैं बस। हम पहुंच गए मांडवा और ये रहा हमारा बस जो आगे दिख रहा है। उसके लिए भी एक लाइन लगता है, ये लाइन में लगने के बाद हमें बस में बैठने को मिलेगा। गाइस हम बस में बैठ गए और यहाँ से करीबन 20 मिनट हमें लगने वाला है अलीबाग बस स्टॉप, जहाँ पे ये बस जो है हमें वहाँ छोड़ेगी, और वहाँ का जो आगे का सफ़र है वो हम बाई टैक्सी करने वाले हैं, उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूँगी। हमने टैक्सी कर लिया है, जहाँ से हमें करीबन 10 से 15 मिनट लगा है कैंपेन साइट पहुँचने में, और ये सनसेट देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। सो फाइनली हम अपने कैंप साइट पे पहुँच गए। पहुँचते हमें यह नाश्ता मिला और हम बहुत भूखे थे, हमने पेट भर भर के सबसे पहले नाश्ता किया। जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है बेचारे को, मेरा भी वीडियो बनाओ। ये देखो अभी तक सो रही है, इसको सोना है। तो फिर बोलो बोलो, रिटर्न बोलो एक बार। सो जाओ सो जाओ सो जाओ।